नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मल्लाह जाति से संबंधित प्रस्ताव में राज्य सरकार को मिला केंद्र से झटका। किसान नेता राकेश टिकैत आएंगे बिहार। बिना परीक्षा लिए बच्चों को प्रोन्नति देने की तैयारी में शिक्षा विभाग। मुफ्त में बनाए जाएंगे आयुष्मान हेल्थ कार्ड। अगले 2-3 दिन तक तापमान में नहीं दिखेगा बदलाव। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के 72,000 स्कूलों में नामांकन के लिए चलाया गया अभियान। बिहार के 72,000 सरकारी विद्यालयों में विशेष नामांकन अभियान प्रवेशोत्सव चलाया गया। इसके तहत आज से कक्षा 1 से 9वीं तक सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। इसके तहत अनामांकित और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ चुके बच्चों की घर घर जाकर पहचान की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस काम के लिए शिक्षकों, हेडमास्टरों, आंगनबाड़ी सेविका व जीविका दीदी को जुटने को कहा गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में स्कूल बंद रहने की वजह से सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा को छोड़कर बाकी वर्ग के बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही अगले क्लास में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है, जिसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद छात्रों को बिना परीक्षा लिए ही अगले क्लास में नामांकन ले लिया जाएगा। भारतीय डाक विभाग केरल पोस्टल सर्किल ने निकाली रिक्तियां। भारतीय डाक विभाग के केरल पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवा के लिए 1421 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक के पदों पर भर्ती किए जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास के साथ बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन 10वीं में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार www.appost.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2021 है। इसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर चेक कर सकते हैं। सीसीटीवी नहीं लगवाने वालों पर 31 मार्च से होगी सख्ती। राजधानी पटना में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत 31 मार्च से पहले अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया है तो जिला प्रशासन सख्ती बरतेगा। यानी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने सीसीटीवी नहीं लगवाया है, जिसके बाद उन्हें चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रत्येक थाना क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पटना के अलावे नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले में भी सीसीटीवी नहीं लगाने वालों पर सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। अगले 2-3 दिनों तक राज्य में मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में इन दिनों रात व दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले अगले 2-3 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के लगभग सभी जिलों में इस समय तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार एक विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों में बन रहा है, जिसका असर बिहार में देखने को मिला। बिहार के गया में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया। नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले 158 मुखिया पर गिरेगी गाज। पटना प्रमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना में गड़बड़ी पाए जाने के कारण 158 मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना प्रमंडल प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार गड़बड़ी करने वालों में पटना जिले के 25, नालंदा जिले के 19, भोजपुर जिले के 8, बक्सर जिले के 17 और रोहतास जिले के 97 मुखिया शामिल हैं। इसके अलावा गड़बड़ी के मामले में इन सभी जिलों से 78 पंचायत प्रतिनिधियों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 35 अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि औचक निरीक्षण में पाया गया कि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में नल जल का गुणवत्ता युक्त काम नहीं किया गया है। आधे अधूरे काम के साथ साथ कई जगहों पर कहीं पानी की टंकी तो कहीं बोरिंग करके ही छोड़ दिया गया है। इससे नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं ज्यादातर जगहों पर पैसे की निकासी कर लेने का भी मामला सामने आया है। शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने लिया अजूबा फैसला। बिहार में शराब का कारोबार करने वाले पर शिकंजा कसने के लिए नीतीश सरकार ने एक अनोखा निर्णय लिया है। इसके अनुसार अब राज्य में जिस मकान से शराब की खेप पकड़ी जाएगी, सरकार उसमें जरूरत के अनुसार पुलिस थाना खोलेगी। इसके तहत बीते दिनों राजधानी पटना के एक गोदाम में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। वहां बाईपास थाना खोलकर सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। यही नहीं, शराब माफियाओं की संपत्ति को भी जब्त कर उसे नीलाम कर दिया जाएगा। साथ ही शराब का कारोबार करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। जेपी सेतु ने बदल दी राज्य के कई जिलों की तस्वीर। राजधानी पटना को अन्य जिलों से जोड़ने वाली दीघा पुल यानी कि जेपी सेतु ने पटना से सटे कई जिलों के लोगों का जीवन सुलभ बना दिया है। कभी गांधी सेतु पर जाम से वाहनों की आवाजाही घंटों तक बाधित रहती थी, मगर जेपी सेतु के चालू हो जाने के बाद इस भयंकर समस्या से लोगों को छुटकारा मिला। दीघा पुल के चालू हो जाने के बाद न केवल छपरा बल्कि सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर आदि कई जिले
सड़क के रास्ते पटना से जुड़ गए हैं। इन जिलों से हर दिन हजारों लोग आवाजाही करते हैं। इनमें से अधिकतर सरकारी व गैर सरकारी नौकरी पेशा या व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। इसके साथ ही सेतु के बनने से उत्तर के सैकड़ों गांव की भौगोलिक व आर्थिक तस्वीर भी बदल गई है। इस इलाके में जो जमीन 7 साल पहले तक 25 से 50 हजार रुपये कट्ठा बिका करती थी, उसकी कीमत अब 10 से 15 लाख कट्ठा पहुंच गई है। भारत सरकार ने दिया फ्रांस की कंपनी को प्रीपेड मीटर लगाने का ठेका। राज्य में अगले 18 महीने में 2.5 लाख प्रीपेड मीटर लगेंगे। सरकार ने इसका ठेका फ्रांस की कंपनी को दिया है, जो अगले कुछ सालों तक मेंटेनेंस का भी काम करेगी। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार सरकार 10 मार्च 2022 तक सभी जगहों पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा देगी। इसके साथ ही यह भी बताया कि फ्रांस की कंपनी को 2.5 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य 18 महीने के अंदर दिया गया है, और कुछ खराबी आने पर कंपनी अगले 6 साल तक मेंटेनेंस का काम भी देखेगी, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी खत्म हो जाएगी। मल्लाह जाति नहीं होंगे अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल। बिहार में मल्लाह जाति अनुसूचित वर्ग में शामिल नहीं हो सकेंगे। इससे जुड़े बिहार सरकार के एक प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने मल्लाह और बिंद जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीय महापंजीयक ने अपना समर्थन नहीं दिया। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रत्नलाल कटारिया ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास समीक्षा करने के लिए भेज दिया गया है। शराबबंदी को लेकर सदन में विपक्ष ने किया हंगामा। बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर आज विपक्षी पार्टियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस दौरान राजद विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है, बिहार में समानांतर शराब की सप्लाई हो रही है। वहीं कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही है और अवैध शराब से बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो शराब के दाम को 3 गुना बढ़ाकर इसकी बिक्री शुरू की जाए। वहीं इस दौरान अवैध शराब की बिक्री के मामलों में संलिप्त सरकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के वेल में जमकर प्रदर्शन किया और उत्पाद मंत्री से इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले में कहा कि सदन की सहमति से शराबबंदी को लेकर अलग से डिबेट कराया जाएगा। उद्योग विभाग ने पेश किया इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की संभावनाओं एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सीएम नीतीश कुमार के सामने प्रस्तुत कर विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रस्ताव के जरिए जानकारी दी गई है कि इथेनॉल उत्पादन इंडस्ट्री स्थापित होने से राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही इसके लिए नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा ओडिशा में बंदरगाह स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है, जिसके बाद बंदरगाह के बन जाने से भविष्य में बिहार को काफी फायदा मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे बिहार का दौरा। किसान आंदोलन से चर्चा में आए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत बिहार आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार टिकैत 25 मार्च को बिहार आएंगे। यहां रोहतास में भारतीय किसान संगठन समिति व संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में वे हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में उनके साथ बलवीर सिंह राज्यवाल और दर्शन पाल सिंह समेत कई किसान नेता भी हिस्सा लेंगे। इस संबंध में बताया गया कि रोहतास में किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जानकारी दी जाएगी और एकजुट करने का काम किया जाएगा। बता दें कि राकेश टिकैत को देश भर के किसानों का समर्थन मिल रहा है। फिलहाल वह देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं बंगाल चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की घोषणा की है। बिहार में मुफ्त में बनेगा आपका गोल्डन हेल्थ कार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड अब बिहार की सभी वसुधा केंद्रों पर मुफ्त में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए पहले प्रति कार्ड को बनवाने पर 30 रुपये देने पड़ते थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस संबंध में बताया कि आयुष्मान कार्ड यानी कि गोल्डन हेल्थ कार्ड के बनने से लाभार्थी को सूची में शामिल अस्पतालों में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। बता दें कि विभाग ने गोल्डन कार्ड बनाने की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, वो अपने पंचायत में स्थित आरटीपीएस काउंटर सहित निर्धारित स्थान में जाकर अपना गोल्डन बीमा कार्ड बनवा सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एशिया कप के लिए चुनी गई अलग अलग टीमें। भारतीय टीम को जून महीने में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है और इसी महीने श्रीलंका में एशिया कप का भी आयोजन हो सकता है। ऐसे में टीम इंडिया दोनों मैचों के लिए 2 अलग अलग टीम उतारने के बारे में विचार कर रही है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ऐसे में 2 अलग अलग टीमों को चुना है, जिसमें एक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी और दूसरी एशिया कप में हिस्सा ले सकती है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए चोपड़ा ने 16 सदस्यीय टीम को चुना है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का नाम शामिल है। हालांकि एशिया कप को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा एशिया कप के लिए देवदत्त पडिक्कल, पृथ्वी शॉ, कुलदीप यादव और राहुल चाहर के भी नाम भी सुझाए गए हैं, जिन्हें आईपीएल में उनके प्रदर्शन को देखते हुए टीम में जगह दी जा सकती है।
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हुई फोटोग्राफर रोहन के साथ स्पॉट। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के रिलेशनशिप की खबरें जोर पकड़ रही हैं। अक्सर उन्हें फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ के साथ देखा जाता है। हाल ही में दोनों को एक बार फिर डिनर डेट पर साथ में स्पॉट किया गया। इन दोनों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर सेम आउटफिट में नजर आना इनके रिलेशनशिप की खबरों को बढ़ावा दे रही है। फैंस भी इनकी जोड़ी को काफी पसंद कर रही है। बता दें कि रोहन श्रद्धा के कजिन प्रियांक शर्मा की शादी में भी शामिल हुए थे। बीते कुछ समय से इन दोनों की शादी को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अपने रिश्ते को लेकर दोनों में से किसी एक ने भी कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि कई खास मौकों पर दोनों साथ नजर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।